अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर, और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाइलाइट्स ऑफ लाइफ के साथ हाजिर हूँ। तो मजा आ गया आज तो, ट्रू टेस्ट क्रिकेट देखने को मिल गया भैया। हाँ वाकई दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया भैया। हमारे टेस्ट जो टी क्रिकेट ऐसी ट्वेंटी होनी स्टार हैं चाहिए। उन सबको हाँ सबक मिल गया, बड़ा टाइट किस्म का कि पूरा दिन भी लगे रहो विकेट नहीं मिलेगी, लेकिन हो सकता है आखिर के 4 ओवर में विकेट मिले। हाँ ऐसा ही है। ये गलत है, ये कलर्स है यार। ये मतलब अगर आप वैल्यू करें, कल जैसे फवाद आलम ने पूरा दिन ही तकरीबन बैटिंग कर ली, तो ये कलर्स हैं टेस्ट क्रिकेट के। ये आपको बताते हैं कि एक मतलब वे ऑफ लाइफ है कि आप जिंदगी इस तरह गुजारे हैं। हो सकता है आखिर के दिन बुरे आ जाएं, हो सकता है पूरा दिन आप मेहनत ना कर रहे हो, आखिर में आप मेहनत करें और मैच जीत जाएं, या मैच इस पोजिशन में ले आए तो उसका बिल्कुल रिजल्ट आपके फेवर में बेस्ट है। मैं तो बहुत खुश हूँ, लोग 4 विकेटे गिरने पे बोर हैं, 5 विकेटे गिरने पे मैं बहुत खुश भाई, टेस्ट क्रिकेट ऐसी होनी चाहिए। हूँ। डल नहीं थी कहीं पे भी, डल नहीं थी, विकेट भी अच्छी बनी, विकेट वाले की भी हाँ विकेट तारीफ अच्छी बनी है, बिल्कुल थ्योरेटर की बेस्ट। तारीफ करनी हाँ पड़ेगी हाँ जी हाँ जी, कि उन्होंने टफ ये काम नहीं मतलब किया, टफ था बैटिंग। नहीं ये काम जो आप कह लें कि एशियन कंडीशंस में जब खेलने आते हैं जैसे बांग्लादेश हो गया या कोई और मुल्क हो गया, इवन कई जगह पे इंडिया भी ऐसा करता है कि विकेट ऐसी बना देता है कि ओपोनेंट कुछ कर ही ना पाए, लेकिन बहरहाल ये तो क्यूरेटर ने विकेट बहुत 2015 अच्छी से बनाई। स्ट्रेटजी बना ली है ना उन्होंने, 2015 से इंडिया ने स्ट्रेटजी बना ली। होम सीरीज कोई नहीं जीते किसी, हमारे कोई मुकाबले वकाबले की कोई चीज नहीं है उनको। उनके प्लेयर्स के हजारों में रन बढ़ते जा रहे हैं, क्यों? वो एक ही साल में 1000 रन इसलिए बना लेते हैं कि वो 600-600 रन तो एक इनिंग में बना रहे हैं उनके 4-5 रन। एक तो जिसका जो ड्रॉप हो गया टीम से वो 100-100 बना चुका है, और क्या चाहिए भाई। खैर खैर है, लेकिन मैं कहता हूँ स्पोर्टिंग विकेट होनी चाहिए। बॉलर्स के पास भी चांस है इस वक्त कि बिल्कुल बॉलर अच्छी बिल्कुल बॉलिंग करे तो, और बैट्समैन बिल्कुल। अप्लाई किया उन दोनों ने, मार्करम ने और उसने वर्डलोसन, तो देखें उनके पास भी अब क्या रिपोर्ट्स लगता हैं। है कि ये पांचवें मतलब दिन तक कोई जाएगा? शिकायत नहीं यार, ये 4 विकेटें गिरना थोड़ा जो है ना, क्योंकि डिकॉक जो है ना वो कभी कभार मुझे लगता है वॉक इन विकेट है। मतलब आप जो है वो थोड़ा सा आप उसको डिफेंसिव लाइन पे ना कराएं, अटैकिंग लाइन पे कराएं, और वो शॉट मारते हुए आउट हो जाएगा। कंडीशंस उसके लिए भी नहीं है, मैं उसको मार्जिन दूंगा। इंडिया की विकेट और पाकिस्तान की विकेट में फर्क होता लेकिन डीकॉक के साथ एक चीज और एसोसिएटेड है कि डीकॉक है। अगर तेजी से 60-70 रन बना गया तो और टारगेट 150+ हो गया तो हमारे लिए भी हाँ मुश्किल हो सकती 150 150, मैं तो 100 पे सोच रहा हूँ मुश्किल हो जाए। फवाद आलम के अलावा कोई इम्प्लीमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ये आबिद अली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इनिंग होगी कल इंशाल्लाह, देखें। अभी तो ये 6 विकेट ये भी लेनी है, लेकिन बिल्कुल जितने भी रन होंगे ये आबिद अली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इनिंग होगी। बाकी कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा इमाद भट्ट का और बाकी लोगों का, लेकिन अजहर अली तो मैं नहीं उसके बारे में बात करूँ, लेकिन इमाद भट्ट के इमरान भट्ट को जरूर जो है ना शो करना पड़ेगा। 40-50 बनाए, ग्रिट ही बनाए, 70-80 बॉले खेले, खड़ा रहे विकेट, हाँ देखते हैं इंसान। टेस्ट क्रिकेट यही तो है, पर बट फैसला लेकिन 5वें दिन ही होता, कोई भी फैसला क्रिकेट मुझे ऐसी चौथे है, दिन के बाद लास्ट कोई भी क्रिकेट हो आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। कभी कभार आपको वनडे में 70 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करनी पड़ती है। हाँ वो सब चीजें बिल्कुल, वो तो यार देखें वो जो प्लेयर्स बनते हैं वो मेरे मौकों से ही बनते हैं ना, कि आपको कोई मौका दिया जाए आप उसमें परफॉर्म कर दो, वही आपका बन गया, आपका पॉइंट, आपका हाई पॉइंट, ऐसे ही है। चलो तो अब एक्सपेक्टेशन क्या है? चौथे दिन के आखिरी सेशन में हो जाएगा मुझे लगता है फैसला, क्योंकि ज्यादातर जो मामला हो रहा है ना वो आ रहा है आखिरी सेशन में विकेटें गिरने का। या तो मैच पाकिस्तान जीत जाएगा, या फिर हो सकता है 100 रन से ज्यादा लीड हो गई तो हार, कुछ ये अगर होता नहीं 4 विकेट्स ना गिरती ना आज साउथ अफ्रीका की, तो फिर इम्कान था कि मैच पांचवें यार। दिन तक चला जाए। ये नहीं गिरती तो काफी, ये मैच काफी चौथे दिन में इसलिए आ गया कि 4 विकेटें गिरी। चलो खैर तारीफ देखते करनी हैं कल जो पड़ेगी मैच खेलना मार्करम की चाहती और वंडर है। हाँ हाँ डूसन की, बिल्कुल जिस तरह बिल्कुल वो बिल्कुल, खेले। और अच्छा एक चीज खेले हैं और मैं, वो गेंद सरवाइव किए उन्होंने टाइम हाँ पूरा, एक चीज मैं और कहूंगा, जिस तरह लेकिन मैं 4 साल हमारे बाद आज जो है ना यासिर शाह की तारीफ करूंगा। 4 साल बाद आज मुझे
चार से रिशा की आज तारीफ करूंगा, मैंने बॉलिंग देखी काफी कंट्रोल से कर रहा था, वो विकेट नहीं भी मिली लेकिन कंट्रोल अच्छा था, वैंकी पैंकी नहीं के एक शॉर्ट बॉल एक फुल बॉल एक तेज बॉल इस तरह से कर, एक लाइन और एक लेंथ थी उसकी और प्रॉपर उसने बॉल को मतलब बताया कि बॉल जो है वो बाकायदा बॉल वो स्टॉकिंग है ऐसा लग रहा था। मैं असल में चलो आज जो है ना जो हमारे टेल एंडर्स हैं उनकी बैटिंग की तारीफ करूंगा, और मैं कहना ये चाहूंगा कि जिस तरह की इन्होंने मोहम्मद अली का बैटिंग की हंड्रेड है है भाई, उससे जाहिर होता है कि भाई आप कर सकते हैं, लेकिन मसला आता है कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंसी का, क्या आप कॉन्स्टेंटली ये काम नहीं कर पाते, और ज्यादातर सिचुएशंस में ऐसा होता है कि जहां आपको सिर्फ कुछ नहीं करना होता, रन ही बनाने होते, बस टाइम जाया करना होता है, तो वहां अमूमन यार हमारे ये जो मैं टेल एंडर्स हैं करूँ वो आउट 8 out of 10 time या 9 out of 10 time फेल हो जाते हैं। तो आज वही की अभी उससे तो बात रही थी ना सिचुएशनल बैटिंग, वो बहुत जरूरी है, 1 से 11 तक सिचुएशनल बैटिंग बहुत जरूरी है। हमें टेस्ट टीम अगर ऊपर लेके जानी है ना तो हमें सिचुएशन, पहला सेशन था सबको पता है तरोताजा होते हैं सब, बोलो आराम से खेले। और यासिर शाह की भी बैटिंग में भी तारीफ करूंगा कि उसने देखा भाई मैं आखिरी हूँ, अब कोई है नहीं पीछे, तो बस थोड़े बना लो रन तेजी से, और अच्छा हुआ यही बॉल होना भी पुरानी चाहिए, मिलती, अच्छा हुआ रन बना। यही होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भाई आपके पास जो जितने भी आपके टेलेंडर्स वगैरह खेल रहे हैं, जो भी बॉलर्स आपके खेल रहे हैं, उनको इस चीज को भी फोकस करना चाहिए। या तो भाई देखें आपके पास चार ऐसे बॉलर हो जो 50-60 over में टीम आउट कर देते हो, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो नीचे चार हैं उनको बैटिंग नहीं आती तो कोई नहीं, वो आउट जल्दी कर देते हैं। अब मसला ये है कि बिल्कुल बैटिंग विकेट्स बनती हैं ज्यादातर टीमें 50-60 over में, बहुत कम आउट होती हैं टेस्ट मैच में, तो आपको पांचवा बॉलर चाहिए ही होता है, जो कि हाँ, और कंप्लीट आजकल तो कंप्लीट हाँ बॉलर पांचवा चाहिए। बॉलर आपको चाहिए ही होता है। तो उसको अगर वो पांचवा बॉलर प्रॉपर ऑलराउंडर हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपके जो पांच बॉलर हैं अगर उनमें 2 या 3 run बना सकते हो और बाकी जो दो हों वो रोक सकते हो या आखिर में 10-15 ही run बना दें, तो वो रन्स फिर वो मैं डिफरेंस मायने रखता क्रिएट करते हैं जैसे इस इनिंग में किया है। हूँ बिल्कुल। और ये टू वे प्लेयर है ना, टू वे टाइप क्रिकेट है, टू वे मतलब आप दो तरफ से खेलते हैं, आप भी खेल रहे होते हैं और सामने वाला भी अगर खेलता है तो पार्टनरशिप बनती है, 15 run आप बना रहे हैं, 13-12 वो बना रहे हैं, 30-35-40 ऐसे ही बन जाते हैं, 3-4 विकेट के रन जीने। बिल्कुल ये मेथड्स हैं, इंशाल्लाह मैं कहता हूँ ये तो बहुत अच्छा मौका पाकिस्तान को मिला कि पूरा दिन भी एक तो फील्ड में भी गुजारा, कराची का वेदर इतना ठंडा गर्म भी नहीं था, इतना ठंडा भी नहीं था, अच्छा है थोड़ा उनको सबक मिले होंगे कि भाई हमें किस तरह से विकेट लेनी है, जब हाँ बैट्समैन सेट हो क्या प्लान इम्प्लीमेंट करने। बिल्कुल एनर्जी की तारीफ करूंगा अगेन मैं, रिजवान ने बेहतरीन कैच लिया, एनर्जी थी फील्ड में, आवाजें थी, शोर मच रहा था, ओवरऑल एक अच्छा टेस्ट दिन देखने को मिला, बहुत दिनों बाद देखने को मिला हाँ लेकिन देखने को मिला। बिल्कुल चलें यही तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह हाँ कल जी के बिल्कुल रिव्यू के साथ हाजिर चलो होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ वो और जो हाँ घंटी एक एक होती है, चीज एक चीज हाँ हाँ जी जी वो हाँ जरूर जी हाँ जी दबाएं। बताएं आप बताएं, कल के लिए थैंक यू, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस करके जो है वो डांस की तारीफ की, फैसल साहब और ताहिर ने फुल टाइम जो एंजॉय कराया, मैं उनके तो लिए ऐसी थैंक यू सो वो मच। कहते हैं ना वो फलाना कव्वाल और हमनवा, मैं तो हमनवा था साथ में, असल जो है वो डांस तो आपने किया है। थैंक यू भैया, कल इंशाल्लाह जीत पे डांस करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलें जी, अल्लाह हाफिज।